नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि गर्भावस्था के दौरान फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में किस पोजीशन में आपको सोना चाहिए और इससे क्या फायदा होता है शिशु के अंदर, इससे क्या फायदा आपके शरीर के अंदर होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे निवेदन है वीडियो स्टार्ट करने के पहले कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फिर वीडियो आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात ये मैं बता दूं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है गर्भावस्था के दौरान, उस समय जो है आपका खून का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चलता है आपके बॉडी में। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। तो इस समय आपके किडनी को फिल्टर करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, यानी ज़्यादा पहले से मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब लगने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये फर्स्ट महीने के अंदर होने लगता है, यानी पहले ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। तो अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो किसी भी दूसरे नॉर्मल व्यक्ति के टेम्परेचर से अधिक होता है। ये गर्भावस्था के दौरान ऐसा नॉर्मल है, होता ही है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा आपको बार बार फील होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपका जो नींद है और आपका जो सोने का पोजिशन है वो शिशु के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप सही पोजीशन से नहीं सोएंगे तो शिशु का विकास जो है वो बाधित हो सकता है, सही तरीके से विकास शिशु का नहीं होगा। तो एक तो आप मॉर्निंग सिकनेस की समस्या से परेशान रहते हैं, दूसरा ये रहता है कि आपके बॉडी में भारीपन आता है, तीसरा ये है कि बार बार यूरिन आपको पास करने की इच्छा होती है। तो ये सब जो है आपके नींद को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टेड कर देता है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती है, बार बार आप करवट बदलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, आपको कम्प्लीटली ये समझना चाहिए कि शिशु के विकास के लिए आपको हमेशा जो है बाई करवट लेकर के ही सोना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाई करवट जब लेकर कोई भी प्रेग्नेंट महिला सोती है तो उनका बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, उनके बॉडी में ऑक्सीजन का जो कंजप्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छे ढंग से हो पाता है, जिससे कि बच्चे के पास ऑक्सीजन अच्छे से पहुँच पाता है, खून वगैरह अच्छे से पहुंच पाता है, जिसकी वजह से बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। दोस्तों अब दोस्तों जान लेते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो देखिए दोस्तों, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको जो है मॉर्निंग सिकनेस की समस्या तो थोड़ा कम हो जाती है, पर आपको सीने में जलन की समस्या हो जाती है, स्तनों में भारीपन होने लगता है क्योंकि आपका जो फीडिंग का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है आपके बॉडी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा आपको खिंचाव सा महसूस होगा स्तनों में, पेट में जो बाहर मतलब पेट का जो आकार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मांसपेशियाँ जो हड्डियाँ हैं उस पर दबाव पड़ने लगता है, तो आपको पेन वगैरह होने की समस्या हो जाती है कहीं पे भी। तो ये सब की वजह से भी आपका नींद इफेक्टेड होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको जब भी आप सोते हैं या उठते हैं उस टाइम पे आपको ध्यान रखना होगा कि पोजीशन आपका सही होना चाहिए, बाएं करवट लेकर के ही सोना है, बाएं करवट लेकर के ही उठना भी है, बाएं करवट लेते हुए सोना भी है। तो यानी कम्प्लीटली ये है कि बाएं पोजीशन को सबसे ज़्यादा बेस्ट पोजीशन माना गया है प्रेगनेंसी के दौरान। राइट करवट को लेकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ना सोएं, थोड़े टाइम तक सो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दाएं करवट लेकर के नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल सीधे पीठ के बल होके भी नहीं सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो भार होता है प्लस आपका जो बेबी बम्प है गर्भाशय का जो बढ़ा हुआ आकार है उसका सबका जो वेट होता है वो सीधे आपके स्पाइन पे आता है, यानी बैक पोजिशन पे आता है, जिसकी वजह से आपको बैक में परेशानी हो जाएगी, दर्द वगैरह की शिकायत हो जाएगी, कमर में दर्द हो रही है, पीठ में दर्द हो रही है, इस तरीके की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो इसलिए भी फ्लैट पोजिशन में सोने के लिए मना किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा भी यही निर्देश दिए जाते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी मन में आ रही है तो आप पूछ लीजिएगा, उससे भी आपको मैं कोशिश करूंगी कि आंसर आपको दे दूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों मैं मिलूंगी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, नमस्कार।